वेलकम टू माय लाइफ प्रीति फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टाइट कुर्ती को हिप से कैसे मतलब लूज़ करें, जिससे कि आपके अगर बिल्कुल भी कपड़े नहीं बचे हैं आपके हिप के पास और आपको लूज़ करना है तो आप इस प्रकार से करें कि आपको लगभग 2 इंच हिप तो ज़रूर ही लूज़ हो जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जो मेरा कपड़ा है ये कट गया है यहाँ से साइड से, और अभी न्यू कुर्ती है तो ये मेरे को टाइट आ रहा है और इसे मुझे लूज़ करना है। तो कपड़े तो है नहीं तो लूज़ कैसे करूँगी, तो चलो मैं आप लोग को बताती हूँ। तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मैं इस तरह की वीडियो लाती रहती हूँ। ये मेरी खुद की कुर्ती है तो चलो इसको सबसे पहले उल्टा करती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी कुर्ती जिसमें कपड़े बिल्कुल भी नहीं, और मैं सिलाई खोल दी हूँ थोड़ी ऊपर तक। ये इधर भी मैं खोल देती हूँ थोड़ा सा ऊपर तक, जिससे मैं आराम से इसको लूज़ कर सकूं। तो ऊपर से तो चलो ठीक है थोड़ा सा, बट हल्का सा टाइट है तो ऊपर के लिए थोड़े कपड़े हैं और हिप के लिए नहीं है। तो इसको सबसे पहले आप हमको अच्छे से प्रेस करना है, और आप लोग देख सकते हैं इसको थोड़ा सा फट गया है, और इसे मैं लेस लगा के इसको मैं वो करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से है ना, इसमें मैं लगाने वाली हूँ लेस। लेस लगा के दोनों तरफ 1-1 इंच मैं बढ़ाऊँगी। तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले आपको जो आपकी हिप की लंबाई है, हिप कितने पे था, तो हमारी 15 इंच पे थी, जिसको मैं 13 इंच पे लगाऊंगी या 13.5 कर लेती हूँ, 13 बहुत छोटा हो जाएगा, तो मैं 13 इंच ऊपर। इससे क्या होता है, जो हमारी हिप है इससे भी थोड़ा अगर हम अपनी हिप ऊपर कर लेंगे तो तभी भी हमें थोड़ा सा लूज़ महसूस होगा अपना सूट। तो इस तरह इसको करके ये मैं लेस लगाऊँगी। तो चलो मैं बताती हूँ कैसे लगाते हैं लेस को। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हमारा 1-1 इंच बढ़ेगा। तो मैं सबसे पहले मशीन पे आती हूँ, तो मशीन के पे आते ही हम चेस्ट से थोड़ा सा लूज़ करेंगे। यहाँ पे थोड़े से कपड़े हैं तो यहाँ पे आसानी से लूज़ हो जाएंगे, पर जो हमें हिप है, हिप पे मेरे नहीं है कपड़े। तो इस तरह से करते आना है, और जो मैंने निशान लगाया था 13.5 इंच पे, जो यहाँ बाजू से लेके नीचे तक 13.5 पे ये है, और इससे हम 1 इंच और कम ऊपर लगा लेंगे, यानी कि 12 इंच पे, 12.5 इंच पे इस तरह से ऊपर लगा के हम घुमा ले जाएंगे मशीन को एकदम। देखिए मैंने किनारे पे मशीन लगाया हुआ है, ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि उसके जो नीचे जो 1 इंच की दूरी है वहाँ पे हमें लेस लगानी है, और लगाने के बाद फिर हम इसको ऐसे सिलाई कर लेंगे। ये देखिए कपड़ा तो ज़्यादा नहीं है, पर हल्का हल्का फोल्ड करके मैं सिलाई कर लेती हूँ यहाँ पर। ये देखिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, जैसे आम सूट सिलते हो आप वैसे ही आपको यहाँ सिल लेना है। फिर इसके बाद इसमें लेस लगानी है, जैसे अगर आपको 2 इंच लूज चाहिए, मतलब दोनों साइड 2-2 इंच, तो आप थोड़ा चौड़ा लेस ले सकते हैं, और मेरे को सिर्फ 1 इंच चाहिए था दोनों तरफ, 1-1 इंच या फिर 1 इंच से भी कम हो जाए, क्योंकि ज़्यादा टाइट नहीं था, तो इसलिए मैं पतला वाला लेस लगाऊँगी। और इस तरह भी लगाऊँगी कि थोड़ा सा बुरा ना लगे, अच्छा लगे। तो ये मेरे पास लेस है, थोड़े गोल्डन कलर के हैं, तो मेरे सूट में गोल्डन कलर की कढ़ाई हुई थी इसलिए मैं गोल्डन लेस लगा रही हूँ, इतना पतला है। देखिए 1 इंच की है ना, तो इसको क्या करना, आपने अच्छे से सिल लिया सबसे पहले इसको सूट को ऊपर 12 इंच पे, तो हमें 13.5 करना है इसका जो बंद है, हमें 13.5 इंच पे करना है। तो इस तरह से आपको रखना है लेस को अंदर की साइड में, और आपको ऐसी लेस लगानी जो आपके सूट से मैच करता हो। अगर मैं इस रेड कलर का कपड़ा लगा देती तो थोड़ा सा ऐसे लगता, चकती टाइप लगता कि मैंने चकती लगाया हुआ है, बट मैं लेस लगाऊंगी तो कई लोगों को ये मतलब ये ऐसा लगता है ना, थोड़ा डिज़ाइन है, तो इसलिए मैं ये वाला लेस लगा रही हूँ। और अगर कोई देखो इस तरह करके ना, फिर आपको इस तरह से आगे की तरफ भी कर लेना है, थोड़ा सा पक्की सिलाई लगा लेनी क्योंकि निकले ना। अगर आप चाहते हो तो और चौड़ी लेस लगा सकते हो, मैं बार बार आपसे बता रही हूँ। और जो साइड में एक कॉर्नर पे लगा रही हूँ वही साइड में अपने नीचे भी लगा दूँगी, यहाँ पे सूट के नीचे घेरे पे, क्योंकि तब ऐसा नहीं लगेगा देखने में कि हमने चकती लगाया हुआ है। तो यही वाला लेस मैं यहाँ भी आगे पीछे दोनों लगाऊँगी। तो ये नॉर्मल सी कुर्ती मेरी अच्छी सी भी बन जाएगी, इस पर कढ़ाई भी है और पहनने लायक बन जाएगा। न्यू था तो वो क्या हुआ था कि पहले शरीर का कोई पता नहीं होता, कई बार कपड़े भी श्रिंक हो जाते हैं, तो इस वजह से। तो देखो ये मैंने ऐसे कर लिया, ये मेरा लेस भी लग गया। चलो हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली मैंने अपना ये सूट जो मेरा टाइट था उसको मैंने ठीक कर लिया है, लूज़ कर लिया है। पहले बहुत ज़्यादा टाइट था, तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे किया है। आप लोग देख सकते हैं और यहाँ से भी देख लीजिए, ये
ये चीज़ यहाँ से कर दिया है और ये लेस घेरे पे मैंने लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं घेरे पे भी, जिससे अच्छी मैचिंग हो जाती है, परफेक्ट। मैं पूरी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए यहाँ हिप से हमारा एक एक इंच बढ़ गया है कपड़ा, ठीक है। और अगर आप भी ऐसे ही लूज़ करना चाहते हो तो आप लूज़ कर लीजिए और एक तरह की डिज़ाइन भी बन जाएगी आपकी। तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।